जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है UPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन की चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देख रखा था कि मुगल काल में मंत्रिमंडल किस प्रकार से व्यवस्थित है, अब आज प्रांतीय प्रशासन को देखेंगे। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम के लिए लाभदायक भी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिया प्रांत का प्रशासनिक ढांचा केंद्रीय प्रशासन का लघु रूप था, मतलब जो प्रांत का प्रशासनिक ढांचा था, मतलब प्रांतीय प्रशासन था, ये केंद्रीय प्रशासन का लघु रूप था। आपने पीछे देखा था कि केंद्रीकृत व्यवस्था चल रही थी, इसी का लघु रूप है। 1580 ईस्वी में अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। आईने अकबरी में इतने ही प्रांतों का उल्लेख मिलता है, मतलब आईने अकबरी में 12 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में 3 सूबे को और जोड़ा गया, अतः 1605 ईस्वी तक सूबों की कुल संख्या 15 हो गई थी। स्टार्ट में 12 थी और अकबर का जब अंतिम वर्ष चल रहा था, 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, तो इस समय तक 3 और नए सूबे को शामिल कर लिया गया था, अतः कुल सूबों की संख्या 15 पहुंच गई थी। इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, बिहार, बंगाल, अहमदाबाद, अजमेर, अवध, मालवा और दक्षिण में तीन कौन कौन है, खानदेश, बरार और अहमदनगर सूबे थे। तो यहाँ पे कुल सूबों के बारे में बताया गया है कि मुगल काल में कौन कौन से सूबे थे। जहांगीर के समय में 17 सूबे थे। देखिए, अकबर के समय में लास्ट में 15 हो गए थे, जबकि जहांगीर के समय में 17 थे। बंगाल को काटकर उड़ीसा को सूबा जहांगीर ने बनाया। देखिए, बंगाल को काट करके उड़ीसा को सूबा घोषित कर दिया गया था, ये जहांगीरों का गलती से टाइपिंग की मिस्टेक है, जहांगीर ने किया था। अब आगे देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि शाहजहां के समय में सूबों की संख्या सर्वाधिक थी, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा हो गया, कुल 22 थे, मतलब ये भी पॉइंट याद रखना है कि मुगल काल में कुल सूबों की संख्या 22 थी, जिसमें कश्मीर, सिंध आदि नए प्रांत बनाए गए थे। अब इसमें कश्मीर को शामिल किया गया, सिंध को शामिल किया गया, है ना। लेकिन शाहजहां के शासन के अंत समय में प्रांतों की संख्या घटकर 19 हो गई थी। अंतिम समय में क्या हुआ कि प्रांत कम हो गए थे। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या 21 थी, जिसमें 14 सूबे उत्तर भारत में, एक भारत के बाहर, भारत के बाहर काबुल, है ना, काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में यहाँ, और 6 प्रांत दक्षिण भारत में थे। देखिए, उत्तर भारत में 14 थे, दक्षिण भारत में 6 थे, 14, 26 और एक था अफगानिस्तान काबुल में। अकबर ने दक्षिण के 3 प्रांतों के लिए, जिनकी राजधानी बुरहानपुर थी, एक ही सूबेदार की नियुक्ति की थी। देखिए, जो अकबर के समय में दक्षिण में कितने प्रांत थे, 3 प्रांत थे, इनका सूबेदार एक ही था और इसकी राजधानी क्या थी, बुरहानपुर, ये भी याद रखना। शाहजहां के समय में दक्षिण में 4 प्रांत थे, है ना। अब शाहजहां की बात करेंगे तो उस समय माफ कीजिएगा दोस्तों, दक्षिण में 4 प्रांत बन गए थे, है ना। अभी यहाँ पे नाम दिए गए कुछ, जैसे खानदेश, यह असीढ़गढ़ किला था, इसकी राजधानी बुरहानपुर थी, है ना। बरार, इसकी राजधानी एलिजपुर थी। ग्वालियर इसका दूसरा प्रमुख दुर्ग था। और तेलंगाना बालाघाट प्रांत में स्थित था। नांदेड़ इसी प्रांत में था। दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूरी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करने पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। अब आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब ये बताया जा रहा है कि मतलब कौन सा पद था और किस काम के लिए था। देखिए, सूबेदार, है ना, ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सूबेदार एवं दीवान, है ना, ये दोनों पद क्या था, मतलब सूबेदार और दीवान जो दोनों पद है, इनका कार्य यहाँ पे एक साथ लिखा गया। देखिए,
सूबेदार एवं दीवान ये प्रांत में एक दूसरे पर नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित करते थे। सूबेदार की नियुक्ति का आदेश फरमान ए सबाती और सूबेदार के दीवान की नियुक्ति का आदेश हसबुल हुक्म कहलाता था। देखिए, सूबेदार फरमान ए सबाती ये क्या होता था, सूबेदार के नियुक्ति का आदेश होता था, और हसबुल हुक्म क्या था, ये दीवान के नियुक्ति का आदेश होता था। 1556 ईस्वी में अकबर ने सर्वप्रथम प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति की, जिसमें 8 सूबों के दीवान खत्री, खत्री का मतलब है कायस्थ, हुआ करते थे। अब यहाँ पर और कुछ पदों के बारे में बताया गया जो प्रांतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जैसे देखिए, बक्सी, बक्सी कौन होते थे, सूबे में सेना की व्यवस्था को व्यवस्था करने वाला बक्सी कहलाता था। इसके बाद वकिया नवीस, प्रमुख घटना व फरमानों को सूचीबद्ध करना, ये वकिया नवीस का काम होता था। कोतवाल, ये सूबे का नगर पुलिस हुआ करता था, इसे कोतवाल कहते थे, है ना। आगे सदर ए काजी, प्रांतीय स्तर के विवादों में न्याय करने वाले सदर ए काजी की नियुक्ति शाही काजी के अनुरोध पर की जाती थी। मतलब जो शाही काजी होते थे ये अनुरोध करते थे, तो यहाँ पर क्या होता था, एक सदर ए काजी नियुक्त किया जाता था जो प्रांतीय स्तर पर न्याय का काम करता था। दीवान ए तन, ये जागीर व वेतन की देखभाल करने के लिए दीवान ए तन की नियुक्ति होती थी। मुस्तारफी, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, ये मुस्तारफी का काम होता था। मुशरिफ, ये कार्यालय को संभालने का कार्य करता था मुशरिफ। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रांतीय प्रशासन के बाद सरकार प्रशासन की चर्चा की गई कि मुगल समय में सरकार किस प्रकार से चलता था, तो यहाँ पर दिया है प्रशासन की सुविधा के लिए सूबे को जिलों व सरकारों में विभाजित किया गया। जिला स्तर पर कार्य करने वाले मुख्य अधिकारी निम्नलिखित, तो देखिए अब प्रांत जो था ना, मतलब सूबा जो था, इसे जिला और सरकार में विभाजित कर दिया गया। फौजदार, जिले के प्रधान सैनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले होते थे। फौजदार के पास सेना की एक टुकड़ी रहती थी, इसका मुख्य कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना होता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में फौजदार को तरफदार कहा जाता था। ठीक, और आगे बढ़ेंगे। देखिए, फौजदार के बाद अगला पद जो सरकार प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये है अमलगुजार। अमलगुजार क्या होता था, ये सरकार में राजस्व वसूली हेतु जिम्मेदार होता था, इसको अमलगुजार कहते थे। वितिक्ची, ये भूमि एवं लगान संबंधित कागजात का अधीक्षक एवं अभिलेखपाल होता था, मतलब जितने भी लगान संबंधी कागजात होते थे उसकी देखरेख करता था। सवानिहगार, है ना, जमींदारों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और सूचनाओं भी भेजता था, सूचनाओं को आदान प्रदान करना, ये होता था। इसके बाद है खजानदार, ये सरकार का खजानजी होता था। और काजी, काजी के बारे में अपने पीछे तो समझ ही रखा है। तो दोस्तों ये सरकार के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ प्रमुख पद रहे। अब आगे यहाँ पर दिया परगना प्रशासन। देखिए परगना प्रशासन, है ना, इसके प्रमुख अधिकारी, इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था, इन सब की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये एक छोटी सी क्लास रही, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, है ना, आपको सिंपली ऐसे ज्ञान सर लिखना है। जैसे आप ज्ञान सर लिखेंगे आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।